hello everyone welcome back today we are going to discuss about the new topic that is development of female gametophyte in the previous videos we had learned about the development of the male gametophyte that is the pollen grains okay now in this video we will discuss about the development of female gametophyte female gametophyte is the embryo sac embryo sac is known as the female gametophyte okay so दिस इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइड इन द डिफरेंट टॉपिक्स ओके तो फर्स्ट टॉपिक इज द गाइनोशियम फर्स्ट टॉपिक क्या आपका गाइनोशियम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट द गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज द पिस्टिल कार्पल ओके इट इज ऑल्सो नोन एज द पिस्टिल ऑर कार्पल एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट The flower may be monocarpillary and bicarpillary. ट्राई कार्पलरी एंड मल्टी कार्पलरी इट इट मीन्स दैट इफ अ फ्लावर कंटेन अ सिंगल कार्पल सिंगल कार्पल और सिंगल पिस्टिल दैन द फ्लावर इज नोन एज द मोनो कार्पलरी एंड द एग्जाम्पल ऑफ द मोनो कार्प कार्पलरी फ्लावर इज द लेग्यू मिनेसी यानी कि जो लेग्यू मिनेशी की जितनी भी जो फैमिली है आपकी उसमें जितने भी आपके प्लांट्स आते हैं वो सारे प्लांट्स क्या होते हैं आपके मोनोकार्पलरी होते हैं जैसे कि आपकी जो दालें हो गई ठीक है जैसे आपका क्या हो गया मटर हो गया मटर हो गया आपका चना हो गया तो ये क्या होते हैं आपके इनमें जो फ्लावर होंगे दीज आर द मोनो कार्पलरी मोनो कार्पलरी मेज दे आर मेड अप ऑफ और दे कंटेन ऑन द फ्लावर कंटेन ऑन ओनली अ सिंगल कार्पल और पिस्टिल ओके नेक्स्ट इज द टू कार्पस वैन द फ्लावर कंटेन टू कार्पस दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बाई कार्पलरी इस कंडीशन को क्या बोला जाता है आपका बाई कार्पलरी कंडीशन बोला जाता है एंड द फ्लावर्स ऑफ द एन्थेसी एन्थेसी जो है आपका उसके जो फ्लावर होंगे फैमिली के वो सारे के सारे किस में आएंगे आपका बाई कार्पलरी में आएंगे एंड नेक्स्ट इज द ट्राई कार्पलरी इट मीन्स दैट वैन द फ्लावर कंटेन थ्री कार्पस इट मीन्स दैन द गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ द थ्री कार्पस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज मेड अप ऑफ द थ्री कार्पर एंड दिस टाइप ऑफ द फ्लावर आर फाउंड इन द फैमिली ऑफ दाइक कार्पल आर दिस कंडीशन इज कॉल्डी बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट दैट हम इसको ऐसे पढ़ते हैं आपका अगर आपका कार्पल क्या होगा आपका सिंगल होगा तो इसको मोनो कार्पलरी में रखा जाता है और अगर आपके एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम मेनली किस में पढ़ते हैं आपका मल्टी कार्पलरी में पढ़ते हैं ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट पिस्टल मे बी मोनो कार्पलरी मोनो कार्पलरी आर फाउंड इन द लेग्यूमिनेसी यानी कि लेग्यूम्स में पाया जाता है यानी कि वैन अ सिंगल कार्पल इज देयर एक सिंगल कार्पल होगा तो उसको क्या बोला जाएगा आपका मोनो कार्पलरी बोला जाएगा एंड नेक्स्ट इज द मल्टी कार्पलरी इट मीन्स दैट मोर देन वन कार्पल्स आर देयर इन अ फ्लावर एंड दिस कंडीशन इज़ फर्दर ऑफ द टू टाइप्स मीन्स एक फ्लावर है आपका उस फ्लावर में अगर एक सिंगल कार्पल है तो आपका ठीक हो गया उसका आपका लेग्यूम्स हो गया फैमिली के आपके प्लांट्स हो गए अगर आपके एक से ज्यादा आपके कार्पल पाए जाते हैं तो हम उसको मेन बेसिकली किस में डाल देते हैं आपका मल्टी कार्पलरी में डाल देते हैं लेकिन इंडिविजुअली आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका बाई एंड ट्राई कार्पलरी सो मल्टी कार्पली मोर देन वन कार्पल आर देयर बट देयर आर टू कंडीशन इसकी भी क्या कंडीशन होती है आपकी दो कंडीशन होती है द फर्स्ट इज दिन कार्पस कंडीशन And the second is the apocarpus condition. Okay, what is the syncarpus condition? When more than one carpus are there and these carpus are fused. होंगे आपके वो फ्यूज होंगे आ रहे समझ में क्या होंगे आपके मोर देन वन कार्पल आर देयर एंड दीज कार्पस आर फ्यूज टू ईच अदर वो आपके सेपरेट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ क्या होंगे आपके फ्यूज होंगे और फ्यूजन की प्रोसेस आपकी बेस से भी हो सकती है ओवरी के वहां से भी हो सकती है स्टाइल से भी हो सकती है और आपकी स्टिग्मा से भी हो सकती है इफ मोर देन वन कार्पल्स आर देयर एंड दिस कार्पल आर इन द फ्यूज कंडीशन देन दिस कंडीशन इज नोन एज द सि कार्पस ओवरी तब आपकी ओवरी कैसी कहलाएगी आपकी सिन कार्पस ओवरी कहलाएगी या गाइनोशियम आपका सिन कार्पस कहलाएगा इसका एग्जाम्पल है आपका पेपेबर एंड सोले सोलेनम ओके पेपेबर एंड सोलेनम दीज टू एग्जाम्पल आर फ्रॉम एनसीआरटी किससे आपका एनसीआरटी से से बेसिकली ये आपके एनसीआरटी के एग्जाम्पल्स हैं एंड नेक्स्ट इज द मल्टी कार्पुलरी का आपका सेकंड है आपका एपो कार्पस सिंपल हो गया आपका जस्ट अपोजिट टू सिन कार्पस इफ मोर देन वन कार्पल्स आर देयर एंड द कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर यानी कि आपका कोई भी कार्पल किसी दूसरे कार्पल के साथ क्या नहीं होगा आपका फ्यूज नहीं होगा देन दिस कंडीशन इज नोन एज द एपो कार्पस कंडीशन ओके एपो कार्पस मल्टी कार्पलरी कंडीशन एंड द एग्जाम्पल इज द माइसेलिया इट इज फ्रॉम द एनसीआर टी ये भी किससे आपका एग्जाम्पल एनसीआर टी से है तो ये इतना आपको बेसिकली ध्यान में रखता है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एन सी आर टी किसके अकॉर्डिंग है आपका एनसीआरटी के कौन है पिस्टिल आर डिवाइडेड टू दू टू कंडीशन द फर्स्ट इज द मोनोकार्पुलरी कंडीशन सेकंड इज द मल्टी कार्परी कंडीशन मोनोकार्पुलरी कंडीशन इज दैट कंडीशिशन इन विच द फ्लावर कंटेनर सिंगल कार्पल एंड द एक्म्पल ऑफ द मोनोकार्पलरी कंडीशन इज द लेग्यूम्स एंड द सेकंड इज द मल्टी कार्पुलरी कंडीशन इट इज़ फर्दर ऑफ द टू टाइप्स इन कार्पस एंड एपोकार्पस इन कार्पस मीन्स फ्यूज कंडीशन एग्जाम्पल आर द पेपेवर एंड द सोलेन एंड द सेकेंड इज द एपोकारपस कंडीशिशन दैट मीस फ्री गाइनोशियम आर दियर यानी कि जो गाइनोशियम होंगे आपके जो पिस्टल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे आपकी बिल्कुल फ्री होंगी होंगे कहीं पर भी आपके किसी भी पॉइंट पे आपके जॉइंटेड नहीं होंगे एक बेस को छोड़ कर okay? के ओके एंड द एग्जांपल इज द माइसेलिया फ्रॉम द एनसीईआरटी नाउ दीस देर आर अदर थ्री डायग्राम्स हैं आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं आपको इसके ऊपर फोकस करना है द फर्स्ट कंडीशन इज सोन यहाँ पर को आपकी तीनों कंडीशन एक-एक करके आपकी दी गई हैं दिस इज द मोनोकार्पुलरी और एग्जाम्पल ओके एक किसका एग्जाम्पल है आपका मोनोकार्पलरी का एग्जाम्प है हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका एक सिंगल कार्पल है आपका ये दिस इज द स्टिग्मा दिस इज द शाइल एंड दिस वन इज द ओवरी एंड ये सिंगल सिंगल किससे आपका सिंगल कार्पल से क्या हो रहा है आपका पूरा का पूरा आपका गाइनोशियम रिप्रेजेंट हो रहा है तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हिविसकस ये किसका एग्जाम्पल है आपका हिविसकस रोजा साइनसिस ओके एंड द सेकंड दिस इज़ दिन कार्पस कंडीशन एंड दिस इज द पेपेवर यहाँ लिखा हुआ है आपका पेपेबर ये पेपेवर का है आपका एंड इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट द कार्पल आर फ्यूज टू इच अदर सारे के सारे कार्पल आपका कहीं ना कहीं से एक दूसरे से क्या है आपके फ्यूज हैं हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा कार्पल कहाँ से क्या हो रहा है आपका स्टार्ट हो रहा है सो दिस इज दिन कार्पस कम कंडीशन एंड दिस इज़ ऑफ द पेपेबर एंड द थर्ड कंडीशन इट इज़ द एपो कार्पस मल्टी कार्पली कंडीशन इन विट वी कैन सी दैट दिस आर द कार्पस ये आपके सेपरेटली क्या हैं आपके कार्पल हैं ठीक है ऑल आर द कार्पल्स एंड दिज कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर और ये सारे सारे के सारे कार्पल्स क्या है आपका एक दूसरे से क्या है आपका फ्री है कोई भी किसी के साथ क्या नहीं है आपका ज्वाइन नहीं है आपका फ्यूज नहीं है सो दिस कंडीशन इज द मल्टी कार्पली एपो कार्पस कंडीशन एंड एग्जाम्पल इज द माइसेलिया फ्रॉम द एनसीआर टी ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल गाइनोशियम एक टिपिकल पिस्टिल के गायनोशियम के जो पार्ट्स होते हैं वो मेनली तीन पार्ट्स होते हैं द फर्स्ट इज द स्टिग्मा द सेकंड इज द स्टाइल द थर्ड इज द ओवरी पहला क्या है आपका स्टिग्मा है सेकेंड आपका स्टाइल है और थर्ड क्या है आपका ओवरी है बेसिकली वी नो दैट द स्टिग्मा इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ अ पिस्टिल किसी भी पिस्टल का जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है आपका स्टिग्मा बोला जाता है एंड इट इज द पार्ट ऑफ द पिस्टिलच सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स यही आपका वो पोर्शन अगर हम इसको बेसिकली देखेंगे तो हमें ये इस टाइप का क्या होगा आपको दिखाई देगा लाइक दिस ओके इट इज़ अ नो लाइक स्ट्रक्चर ऐसा करके आपको दिखाई देगा किनारे पे क्या होगा आपका ये उठा हुआ हो होगा हो हो और बीच में क्या होगा अंदर को आपका धसा हुआ होगा तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ द स्टिग्मा एंड वी कैन से दैट द स्टिग्मा इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टाइल स्टाइल का क्या होता है आपका टर्मिनल पार्ट होता है आपका एंड दिस प्रोवाइड द्ले प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन यहाँ पर को आकर के क्या होते हैं आपके पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं आपके लैंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन और जब आपके पॉलिन ग्रेन्स लैंड होंगे तो क्या होगा आपका वो दोबारा से उड़ भी सकते हैं हवा से तो फॉर फॉर दिस कंडीशन इसके लिए क्या होता है आपका द स्टिग्मा इज़ वेरी स्टिकी स्टिग्मा क्या होता है आपका नेचर में कैसा होता है आपका स्टिकी होता है और कैसा होता है आपका नो ब्लाइक होता है तो ये स्टिकी क्यों होता है क्योंकि आपका सेक्रेशन करता है आपका कुछ आपका केमिकल केमिकल सब्सटेंस का आपका सेक्रेशन करता है जिससे स्टिकी हो जाता है और जैसे ही आपका कोई पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ फॉल होता है उसके साथ क्या हो जाता है आपका बाइंड हो जाता है तो यहाँ से क्या नहीं हो पाएगा आपका दोबारा हवा से वो क्या नहीं हो पाएगा आपका माइग्रेट नहीं कर पाएगा सो दिस इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्टाइल ओके और वी कैन से दैट द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पिस्टल विच इज द नोब लाइक एंड स्टिकी इन द नेचर एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द स्टाइल यहाँ से फिर आपका स्टाइल स्टार्ट होता है ओके दिस पोर्शन इज द स्टाइल एंड वी कैन से दैट स्टाइल इज द सिलिंड्रिकल पोर्शन स्टाइल क्या होता है आपका इट इज अ सिलिंड्रिकल पोर्शन ओके विथ ज्वाइंट्स द ओवरी एंड स्टिग्मा जो क्या करता है आपका पिस्टिल के ओवरी और स्टिग्मा को एक दूसरे से क्या करता है आपका ज्वाइन करता है ओके okay? तो ये तो हो गया किसके केस में आपका इन द केस ऑफ द गाइनोशियम केवलोशिय गाइनोशियम केस में इसका फंक्शन क्या है आपका इट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी ओवरी और स्टिग्मा को आपस में क्या करना आपका कनेक्ट करना बट देयर इज अनदर फंक्शन ऑफ द स्टाइल स्टाइल का आपका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइक दैट स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है आपका प्लेस प्रोवाइड करना किसके लिए आपका पॉलन ग्रेन्स के लिए ओके okay? तो अब जब पॉलन ग्रेन्स आपके यहाँ पर को फॉल होंगे आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट जर्मिनेशन पोल पोलन ट्यूब विल एराइस पोलिनेशन की प्रोसेस होगी आपका ग्रेन उसके बाद क्या होगा आपका पोलग्री ग्रेन जर्मिनेशन जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे और पोलन ट्यूब क्या होगी आपकी अराइज होगी ओके आफ्टर दैट क्या होगा यहाँ पर कोई यह सपोज करे दिस इज द पॉलन ग्रेन या आपका जर्मिनेट हो गया यहां से ये यह क्या होगा फिर आपका पॉलन ट्यूब को क्या करेगा आपका अराइज करेगा और वो पॉलन ट्यूब क्या होगी आपकी कहाँ से जाएगी आपका एग तक जाना है उसे ये आपका क्या है ओवरी है ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक होगा और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा आपका फीमेल गैमिट होगा जिसके साथ क्या होगा आपका मेल गैमिट यानी कि आपको पता है कि मेल न्यूक्लियस को जाकर के क्या करना है आपका फ्यूज़ होना है ठीक है तो क्या होगा उसके लिए पासिस कौन प्रोवाइड करेगा आपका स्टाइल ही क्या करता है आपका पासिस प्रोवाइड करता है तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका फर्टिलाइजेशन के बेसिस प्रोवाइड करता है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दोलन ट्यूब ग्रोज इन साइज क्या होती है पोलन ट्यूब आपकी पहले तो क्या होगा आपका जो आपकी क्या है, है आपका पॉलन ग्रेन की उस वेजिटेटिव सेल के मटेरियल को यूटिलाइज करके आपका पॉलन ट्यूब आगेराइज होगी बट आफ्टर टाइम द फूड विल ख, क्या हो जाएगा आपका फूड क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा ठीक है जब आपका फूड की स्कैरसिटी हो जाएगी वो खत्म हो जाएगा एट दैट टाइम द सेल्स ऑफ द स्टाइल आर यूटिलाइज बाय द जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब जो आपका जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगा आपका स्टाइल का जो आपकी सेल्स है उन्हीं को क्या करेगा आपका यूटिलाइज करेगा एज अ फूड ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द बेसल पोर्शन ऑफ द स्टिग्मा स्टिग्मा सॉरी द बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल सो द बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टल इज़ द ओवरी इट इज़ द दॉलेंट पोर्शन ऑफ़ द पिस्टिल एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन साइड द ओवरी देयर आर द ओवेरियन कैविटीज आपके ओवरी के अंदर क्या होते हैं आपके अगर हम ओवरी की बात करें तो इसके अंदर क्या बने होते हैं आपके चैम्बर्स बने होते हैं ओके इसके अंदर क्या बने होते हैं आपके चैम्बर्स बने होते हैं एंड दिज चैम्बर्स आर नोन एज द ओवेरियन कैविटी एंड दे आर नोन एज द लॉक्यूल इनको क्या बोला जाता है आपका लॉक्यूल बोला जाता है ये आपका तीन भी हो सकते हैं या आपका चार भी हो सकते हैं लाइक दिस ऐसे करके आपके लॉक्यूल्स बने होते हैं ओके एंड इन विच द प्लेसेंटा इज लोकेटेड और इन्हीं लॉक्यूल्स में क्या होता है आपका प्लेसेंटा क्या होता है आपका लोकेटेड होता है एंड द ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा और क्या होगा आपका यहां पर को क्या होगा आपका ओव्यूल्स क्या होते हैं आपके अराइज होते हैं तो ओवरी आपका यूनि भी हो सकती है आपकी बाईलॉक्यूलर भी हो सकती है ट्राई लॉक्यूलर लॉक्यूलर भी हो सकती है और मल्टी लॉक्युलर भी हो सकती है जितनी लॉक्यूलर होगी उतने ही क्या होंगे आपके ओ क्या होगा आपका ओव्यूल्स का यानी कि मेगा स्पोरेंजियम क्या होंगे वहां पर को पाए जाएंगे तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ गाइनोशियम इट इज अ डिटी study about the gynocium I am repeating that गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द कंडीशन एट में भी मेड अप ऑफ द सिंगल पिस्टल और आपका मोर देन वन पिस्टल ओके ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द पिस्टिल एंड कंडीशन ऑफ द पिस्टल द गाइनोशियम आर ऑफ द टू टाइप्स मोनोकार्पलरी एंड मल्टी कार्पलरी सिंगल होगा तो मोनोकार्पलरी होगा मोर दैन वन तो आपका मल्टी कार्पुलरी होगा मल्टी कार्पलरी के भी आपके टाइप्स होते हैं सिन कार्पस जब आपका क्या होगा फ्यूज कंडीशन में होंगे अपोकार्पस जब आपका फ्री कंडीशन में होंगे ओके okay? और उसके तीन पार्ट्स होते हैं द फर्स्ट इज द स्टिगमा सेकेंड इज द स्टाइल एंड थर्ड इज द ओवरी स्टिगमा क्या होगा आपका नो ब्लैक टर्मिनल पोर्शन प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स ओके पॉलन ग्रेन्स के फॉल के लिए सेकेंड हो गया आपका स्टाइल दिस इज द पासेज फॉर द प्रोवाइड द पासिस फॉर द जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब एंड द लास्ट वन इज द ओवरी ओवरी के अंदर क्या होंगे आपके ओव्यूल्स होंगे आपके यानी कि क्या होगा आपका मेगा स्पोरेंजियम क्या होगा आपका डेवलप होगा ओके इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेगा इस्पोरेंजियम